बॉर्डर बनाने के बाद आप इसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लें। इस लाइन में यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और 10 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो दूसरे रंग के ऊन से हमने 10 फंदे सीधे बना लिए। अब 2 फंदे पहले रंग के ऊन से, फिर 2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से, फिर 2 फंदे पहले रंग के ऊन से, फिर 2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से, फिर 2 फंदे पहले रंग के ऊन से, फिर 2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से, फिर 2 फंदे पहले रंग के ऊन से। तो ये हुए 10 फंदे और ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 यानी हुए टोटल 24 फंदे। तो इन्हीं 24 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, यानी दूसरे कलर के ऊन से 10 फंदा सीधा बुनेंगे फिर 2-2 फंदे पहले रंग के ऊन से और 2-2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से बुनते चले जाएंगे। 4 हुए, 6, 8। तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो प्राइमरी कलर के सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, यानी सफेद रंग के सभी फंदे उल्टे, और सेकेंडरी कलर यानी लाल रंग के सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। ये 2 फंदे प्राइमरी कलर से हैं तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और सेकेंडरी कलर वाले सभी फंदे सीधे। तो इस तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम पांचवी लाइन पे हैं और सामने से, तो प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। पांचवी लाइन में प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे। तो पांचवी लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए और छठी लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। सातवीं लाइन में हम अपना थर्ड कलर अटैच करेंगे और 9 फंदे सीधे बुन लेंगे, तीसरे रंग के ऊन से 9 फंदे सीधे। नौ फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब 2 फंदा सफेद, फिर 2 फंदा तीसरे रंग के ऊन से, फिर 2 फंदा सफेद, फिर 2 फंदा तीसरे रंग के ऊन से, फिर 2 फंदा सफेद, यानी इस लाइन में हम अपना थर्ड रो ही रिपीट करेंगे। फिर इन्हीं 24 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तो सातवीं लाइन में हमने अपने तीसरे लाइन को ही दोहराया है, बस ऊन का कलर बदल दिया है, और रॉन्ग साइड में हम अपने चौथे लाइन को दोहराएंगे। नाइन्थ रो में हम फिर व्हाइट कलर से सारे फंदे सीधे बना लेंगे और दसवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो 2 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
अब हम अपना फोर्थ कलर अटैच करेंगे और अपने थर्ड रो को ही दोहराएंगे या रंग के ऊन से सीधा, फिर दो फंदा चौथे रंग के ऊन से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से, दो फंदा। तो हम अपने फोर्थ कलर के ऊन से भी अपने थर्ड रो को ही दोहराएंगे और रॉन्ग साइड से अपने फोर्थ रो को। तो हमारा 12 लाइन कंप्लीट हो गया। 13वें लाइन में फिर हम अपने सफेद रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और 14वें लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 15वीं लाइन में फिर हम लाल रंग के ऊन से बनाएंगे लेकिन पैटर्न चेंज कर देंगे। अब हम पहले लाल रंग के ऊन से दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर सफेद रंग के ऊन से दो फंदा सीधा, फिर लाल रंग के ऊन से दो फंदा सीधा, फिर सफेद रंग के ऊन से दो फंदा सीधा, फिर लाल रंग के ऊन से दो फंदा सीधा, फिर सफेद रंग के ऊन से दो फंदा सीधा। अब लाल रंग के ऊन से 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर दो फंदा सीधा। तो ये हो गए 24 फंदे। तो ये हो गए 24 फंदे और इन्हीं 24 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे, यानी दो फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा और फिर 10 फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा और लास्ट में दो फंदा रहेगा, इसे हम सफेद रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड से सफेद वाले फंदे उल्टे बुने जाएंगे और रेड कलर के सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। सत्रहवीं लाइन में सफेद रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और 18वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। उन्नीसवीं लाइन में हम बैगनी कलर के ऊन से अपने 15वीं लाइन को ही दोहराएंगे, यानी दो फंदा बैगनी रंग के ऊन से सीधा, फिर दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा, फिर दो फंदा बैंगनी रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा, दो फंदा बैंगनी रंग के ऊन से सीधा, फिर दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा, फिर 10 फंदा बैंगनी रंग के ऊन से सीधा। फिर दो फंदा सफेद रंग के ऊन से सीधा। तो इन्हीं 24 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। रॉन्ग साइड से सफेद वाले फंदे उल्टे बुने जाएंगे और बैगनी कलर वाले फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। अब हम फिर सफेद कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे, यानी 13वें 14वें और 15वें 16वें लाइन को ही हमें 3 बार रिपीट करना है ऊन का कलर बदलते हुए। एक बार हमने लाल रंग से बनाया, दूसरी बार हमने बैंगनी रंग से बनाया और तीसरी बार हमने फिरोजी कलर के ऊन से बनाया। तो हम इन्हीं चारों लाइनों को हमने 3 बार रिपीट करना है। तो 3 बार रिपीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 24 लाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर हमें अब
एक से लेके 24 लाइन फिर से दोहराना होगा, यानी हम फिर ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह डिज़ाइन बन के आ रहा है। 24 लाइन बनाने के बाद फिर हम ऊपर ऊपर 24 लाइन दोहराते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 कलर का इस्तेमाल किया है, यानी बचे हुए ऊन का इस्तेमाल किया है। आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं, और चाहें तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 कलर दिया है, जो कलर आपके पास अधिक हो उसे मेन में रखिए। उसके बाद यहाँ पे 3 कलर लिया है, और आप चाहें तो इन 3 लाइनों को भी दूसरे कलर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, आशा है आपको पसंद आया होगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास ज़रूर इसे शेयर कीजिए। यदि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।